मेंटल पीस नहीं हमारे पास में, और एज ए एथलीट अगर आपके पास में मेंटली आपके ऊपर इतना प्रेशर है तो आप इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वो हम नहीं खेल पा रहे हैं। हम भी देखना चाहते हैं ना कि हम खिलाड़ियों के साथ में कितना न्याय कर पाती है कमेटी। अगर हक में नहीं आया प्रेसिडेंट एज इट इज रहे तो हमें तो कुश्ती छोड़ के घर ही बैठना पड़ेगा। मेन तो यही है, विनेश का भी यही है, मेरा भी यही है। पहले भी मुझे देख रहे थे जो रेसलिंग जो करते हैं वो लड़कियां काफ़ी उम्मीद से देख रही थी कि काश ये जो बड़ी जो रेसलर हैं वो बोलें तभी हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमने वो हिम्मत दिखाई इतने सालों बाद। डेफिनेटली हम लेट हो गए हैं इस चीज़ में, हमें ये रिग्रेट भी है कि हम इतना लेट क्यों कर गए, लेकिन वो ताकत बनने में टाइम लग गया क्योंकि जो लड़ाई थी वो बहुत ही पावरफुल एक पर्सन के साथ में थी। वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, पैसे उनके पास कमी नहीं है, बाहुबली वो हैं, इतना उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। प्रोग्रेस जो भी हो मुश्किल टाइम है एज ए एथलीट मेरे लिए क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा अच्छे से। हम मेंटल पीस नहीं हमारे पास में, और एज ए एथलीट अगर आपके पास में मेंटली आपके ऊपर इतना प्रेशर है तो आप इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वो हम नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि हम सब जब तक हम वेट कर रहे हैं जब तक हम इस सच्चाई में जीत नहीं जाते हैं। पहले हम इस मेडल को पहले हम वोन करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम किसी बड़े कॉम्पिटिशन में या किसी में खेलना चाहेंगे। अभी ऐसे तो कोई भी चीज़ निकल के आए लेकिन वो अगर डिले हो रहा है तो ओवरसाइट कमेटी की साइड से ही हो रहा है। हम भी उस चीज़ में खुश नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि हमारा भी ट्रेनिंग खराब हो रहा है, हमें भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना है। हम नहीं चाहते कि लेट हो एक दिन भी, हमारे एक दिन इतना लंबा लंबा जा रहा है अभी क्योंकि आपको भी पता है कि एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफिकेशन है इस टाइम पीरियड में, और ट्रेनिंग हमारा हो नहीं पा रहा है। तो जितना जल्दी हो उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि एक एक दिन की कब रिजल्ट आए, कब पता चले कि क्या है। हम भी देखना चाहते हैं ना कि हम खिलाड़ियों के साथ में कितना कर पाती है कमेटी। प्रोग्रेस से मैं खुश हूँ, बस ये है कि फैसला थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए क्योंकि फिर हम भी स्ट्रेस फ्री होके टेंशन फ्री होके अपने काम के तरफ लग जाएं क्योंकि एशियन गेम्स आ रहे हैं, उनकी ट्रायल्स होंगी। तो मेन यही है कि फैसला जल्दी आ जाए, बाकी वो काम अच्छे से ही कर रहे हैं। अगर हक में नहीं आया प्रेसिडेंट एज इट इज रहे तो हमें तो कुश्ती छोड़ के घर ही बैठना पड़ेगा। मेन तो यही है, विनेश का भी यही है, मेरा भी यही है। हमने इतने स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई की है, लड़े हैं, तो वापस हम फेस नहीं कर सकते हैं कि वापस उनके साथ जाके फिर से वही लड़ाई, फिर से टूर्नामेंट ये वो। हम कोई गलत के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम एक अच्छी लड़ाई, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी शुरुआत के लिए बैठे हैं हम।